पर एक पुलिसकर्मी राष्ट्रीय ध्वज को अपने डंडे से तोड़ता नजर आता है, उसका अपमान कर रहा है, उस पर डंडा चला रहा है। ऐसे पुलिसकर्मी की भी जांच होनी चाहिए, इससे भी देश शर्मसार होता है। रैली में एक किसान की मौत हो गई, जिसे किसानों का कहना है कि पुलिस ने गोली मारी है, जबकि पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर के पलटने से उस किसान की मौत हुई है। किसान आंदोलन में जो कुछ 26 जनवरी को हुआ वो सब कुछ गलत था या सही था, ऐसा कोई भी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता। लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो एक एजेंडा है, उसके लिए आपको सोचना चाहिए, क्योंकि समाज को समझने के लिए आपको केवल राजनीति और टीवी पर ही डिपेंड नहीं रहना, अपनी समझ का भी प्रयोग करना है। इसलिए आप सोचिए कि जो 26 जनवरी है, जिसमें दिल्ली हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर रहती है, इतने के बावजूद किसान चेतावनी देते हैं कि वो दिल्ली में घुसेंगे, अब इन सब के बावजूद वो दिल्ली में घुसे हैं या घुसाए गए हैं, ये आपको सोचना है, क्योंकि आपको अपनी समझ का प्रयोग भी करना है। हम सब कुछ आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हम एजेंडा नहीं चला रहे हैं, हम केवल खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार को बचाना और एजेंडा चलाने का हमें पैसा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से पैसा मांग रहे हैं, और ना हम मांग रहे हैं और ना हमें चाहिए, हम केवल अपना काम कर रहे हैं, जिसे जर्नलिज्म कहा जाता है। इसी किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली में एक किसान की मौत हो गई, जिसे किसानों का कहना है कि पुलिस ने गोली मारी है, जबकि पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर के पलटने से उस किसान की मौत हुई है। आप उस वीडियो को एक या दो बार जरूर देखें और थोड़ा गौर से देखें कि जब वो ट्रैक्टर अपनी फुल स्पीड से आ रहा होता है, तभी पुलिस बैरियर के पास में आकर एक पुलिसकर्मी उस बैरियर को धक्का देता है, जिससे वो बैरियर ट्रैक्टर के एक साइड हो जाता है और ट्रैक्टर पलट जाता है। तो पुलिसकर्मी है जिसने उस बैरियर को धक्का दिया था, उस पुलिसकर्मी की जांच होनी चाहिए। अब सरकार है जो कि उस मरने वाले को किसान न मानकर उपद्रवी और खालिस्तानी मान रही है, और मीडिया भी साथ दे रहा है, तो फिर तो चाहे कितना ही तांडव कर लो, कितना ही झूठ बोल लो। अब दूसरा मसला है लाल किले पर झंडा फहराने का। जिन्होंने झंडा फहराया है उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जिसने झंडा फहराया है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना जाता है, उसी के पार्टी उस पार्टी के नेताओं के साथ उसके फोटो भी हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये किसानों को बदनाम करने की एक बार की ही साजिश हो। ट्रैक्टर रैली में केवल झंडा फहराने की बात नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज को चोट पहुंचाने की बात भी है, जहां पर एक पुलिसकर्मी राष्ट्रीय ध्वज को अपने डंडे से तोड़ता नजर आता है, उसका अपमान कर रहा है, उस पर डंडा चला रहा है। ऐसे पुलिसकर्मी की भी जांच होनी चाहिए, इससे भी देश शर्मसार होता है। हो सकता है कि जिस देश प्रेमी पार्टी के कहने पर यहां पर आए हैं वो देश प्रेम या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नहीं जानते। खैर, असलियत में तो किसान आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि भारत में ज्यादातर जो नेता हैं वो खुद को किसान बताते हैं, और ऐसे किसान हैं वो जो इस किसान का गला घोट रहे हैं या उसकी जमीन लेने को तैयार है। अब खुद ही सोचिए, जिसका सब कुछ लुट रहा हो वो लुटता हुआ बर्बाद होता हुआ तो नहीं देखेगा, जाहिर है वो उग्र होगा। अगर उग्र होगा तो भारत सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए और उन कानूनों पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए कि वो किस तरह से सरकार जो है वो किसानों के खिलाफ जाके उन कानूनों को तैयार किया है या किस तरह वो उसके लिए नुकसान दे हैं। आपका कीमती वक्त है और आप इसे एजेंडे में बर्बाद ना करें तो बेहतर है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।